हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको आपके चैनल टेक दर्शकों पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेट बैंक एक ऐसा नया फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग ये आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप की देख लीजिए, आपको काफ़ी कुछ पता लगने वाले। और आपने अगर फर्स्ट टाइम के लिए टेक्निकल शुमत चैनल पर आया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि रोजाना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो टेक्स रिलेटेड और नई अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन हर रोज मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का समय वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, स्टेट बैंक की तरफ से या फिर कोई भी बैंक की तरफ से हो सकता है आपके पास ऐसा कॉल आया है और कॉल में बंदा बता रहा है कि मैं बैंक का एग्जीक्यूटिव हूँ और आपका जो ATM कार्ड है आपका जो अकाउंट से ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो, संग संग आपका कार्ड का जो पूरा डिटेल्स उनको बता देते हो। कार्ड का डिटेल्स बताने के बाद आपका नंबर पर एक OTP आता है और OTP को जैसे ही आप उस हैकर को, पता नहीं आप किससे बात कर रहे हो लेकिन वो एक्चुअल में हैकर से होता है, तो जैसे ही उस हैकर के पास आपने OTP दे देते हो तो गाइस उसमें क्या होता है, आपका जो बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। पता नहीं आप जानबूझकर ऐसा गलती क्यों करते हो लेकिन अक्सर काफ़ी सारा यूजर्स ऐसा प्रॉब्लम फेस किया। मैंने तो 2 बार फेस किया लेकिन गाइस कॉल करके वो बंदा सीधी सीधी बताते कि मैं बैंक का मैनेजर बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने बता दिया कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ATM ब्लॉक हो जाएगा, नंबर बता दो, अपने नंबर बता दो। पता नहीं गाइस, आप एक चीज़ सबसे पहले सोच लीजिए कि जो बंदा आपको एज अ बैंक एग्जीक्यूटिव बोलकर आपसे डिटेल्स पूछ रहे थे, आपका जितना सारा डिटेल्स बैंक आपके पास है, बैंक के पास वो डिटेल्स सबसे पहले वहाँ पर है क्योंकि बैंक के पास ही वो डिटेल्स आपके घर तक है। मान लो कोई अकाउंट का अकाउंट नंबर आपको किसने भेजा, बैंक ने भेजा, तो बैंक के पास होगा ना आपका डिटेल्स। तो बैंक को कॉल करके पूछेगा कि अपना डिटेल्स बता दो, बिल्कुल पूरा फ्रॉड होता है। अभी तो थोड़ा इसमें कम आया है लेकिन जब फ्रॉड को रोकने के लिए गए स्टेट बैंक ने बहुत बड़ा कदम उठाया, जो नॉर्मली जो लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर डेबिट कार्ड को कैसे यूज़ करना पड़ता है या फिर OTP के बारे में जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उन लोग अगर ये चीज़ कर लेते हैं तो गाइस बहुत ज़्यादा फायदे में होगा जितना सारा हैकर्स से, क्योंकि हैकर्स का बल्ती बंद हो जाएगा ये फीचर्स के आगे। ठीक है, तो गाइस फीचर्स के मैं बता देती हूँ। स्टेट बैंक एक ऑफिशियल ऐप है, YONO ऐप। ठीक है, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना जो अकाउंट देखिए लॉगिन करना पड़ेगा, यानी इंटरनेट बैंकिंग से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कि आपने इंटरनेट बैंकिंग कैसे आपको क्रिएट किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर जाओ, मैंने स्टेट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग कैसे क्रिएट करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रख दिया, आप लोग यहाँ से देख सकते हो या फिर ऊपर का आई बटन में भी लिंक रहेगा वहाँ से देख सकते हो। और गाइज मैं एक चीज़ आपको मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये इसके माध्यम से होगा क्या कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसका लिमिट आप खुद ही सेट कर सकते हो, यानी आपका जो डेबिट कार्ड आपके पास है उसका 30 महीने में आप कितना स्पेंड करोगे डेबिट कार्ड के माध्यम से, यानी कितना करना चाहते हो उसका आपको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। मान लीजिए मैंने इसमें ना ATM कार्ड से पेमेंट जो मैक्सिमम पेमेंट का लिमिट मैंने सेट करके रखा 500 रुपीज़। ठीक है, और कोई एक अदर्स बंदा मेरा जो कार्ड DT से हैक करके वहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं 2000 रुपये, मान लीजिए आपने 500 रुपये का लिमिट सेट किया, उसके बाद आपका अकाउंट मान लीजिए 50,000 रुपये है तो आपने लिमिट सेट किया 500 रुपये, यानी ATM कार्ड द्वारा आप इस महीने ओनली 500 ही यूज़ कर पाओगे, अपने इनकम डिक्रीज नहीं किया। तो उसके बाद आपके पास जैसे फ्रॉड कॉल आया है अपने डिटेल्स दे दो, वो जैसे मान लीजिए 500 से ज़्यादा जैसे उन्होंने देगा ना तो उसको पैसा उठेगा नहीं, तो उसको बता दिया जाएगा लिमिट इतना है नहीं। तो ये जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखो इस कई सारा थर्ड पार्टी कंपनियां हैं जहां पर ATM कार्ड UPI से पेमेंट होता है, तो उन सारे कंपनी से तो आप रोक नहीं सकते। इसीलिए स्टेट बैंक ने क्या किया गाइस, जो खुद का सर्वर है वहां पे इस सिस्टम को लॉन्च कर दिया। तो गाइस अपने अगर अभी तक नहीं किया तो जाओ इंटरनेट बैंक की लॉगिन करके YONO एप्लीकेशन के माध्यम से आपका जो ATM कार्ड का जो लिमिट है लिमिट को सेट करो। मुझे उम्मीद है गाइस जो लोग ये कर लेगा, जिनको डर है कि मेरा अकाउंट सेफ है कि नहीं, तो ये करने के बाद आपका स्टेट बैंक का अकाउंट और भी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।